शत प्रतिशत मतदान हेतु मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस बस को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 हेतु स्वीप के अंतर्गत जनपद के समस्त मतदाताओं विशेषकर युवा महिला दिव्यांग मतदाताओं में 12 मई 2019 को मतदान हेतु जागरूकता करने के लिए विद्यालयों एवं मुख्य मार्गों पर मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस बस को कलेक्ट्रेट परिसर से जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा एवं प्रभारी अधिकारी स्वीप मुख्य विकास अधिकारी अवनीश राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस जनपद में आगमन से मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों के संचालन से मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने जनपद वासियों से अपील किया है कि मतदान के दिन सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें तथा अपने पास पड़ोस के लोगों को भी मतदान हेतु प्रेरित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस जनपद के सभी विकास खंडों में जाकर मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु जागरूक करेगी। श्रावस्ती से विनय वाल्मीकि की रिपोर्ट। वासियों से ये गुजारिश है कि 12 मई को यहाँ पे श्रावस्ती में मतदान का दिनांक है। कृपया अपने घर से निकलें और सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इस बार पहली बार यहाँ पे और सभी जगह पूरे प्रदेश में वीवीपैट मशीन का भी इस्तेमाल हो रहा है कि किसी को ये भ्रांति रहती है कि साहब ईवीएम पे ये हमने वोट डाला और किसी और को गया, तो इस बार उम्मीद के लिए वीवीपैट मशीन भी लगाई गई है जिसमें वो स्लिप दिखेगी भी कि जिसको आप वोट डाल रहे हैं तो आप कन्फर्म भी हो सकते हैं किसको वोट डाल रहे हैं। प्लस ये ज़रूर इस बार ध्यान रखें कि जो मतदाता पर्ची है उसके साथ एक पहचान पत्र लाना ज़रूर है, वो अकेली मतदाता पर्ची पहचान पत्र नहीं।